एक्सरसाइज 10A क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट व्हेन। इसने हमसे कहा गेन बताइए या लॉस परसेंटेज बताइए, गेन परसेंटेज या लॉस परसेंटेज बताइए। कब? जब कॉस्ट प्राइस 620 दे रखा हो और सेलिंग प्राइस 713 दे रखा हो। इसका बेसिक्स हम इसी के साथ कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको पीछे से कुछ भी नहीं मालूम तो भी आप यहां से देख सकते हो। देखिए यहां पर हमें कॉस्ट प्राइस दे रखा है, फर्स्ट पार्ट में कितना दे रखा है, रुपीज 620, और सेलिंग प्राइस दे रखा है कितना, रुपीज 713। तो जो इसने हमसे पूछा कि गेन या लॉस परसेंटेज बताइए, तो आपको सबसे पहले ना कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में कंपैरिजन करना पड़ेगा। कैसे? आपको देखना पड़ेगा कि ये बड़ा है या ये, मतलब सेलिंग प्राइस बड़ा है या कॉस्ट प्राइस। तो देखो ये 620 है, ये 713 है, तो हम देख रहे हैं कि सेलिंग प्राइस जो है ना वो बड़ा है किससे, कॉस्ट प्राइस से। बताओ ये बात समझ में आई? यहां पर सेलिंग प्राइस बड़ा है किससे, कॉस्ट प्राइस से, क्योंकि 713 बड़ा है 620 से। जब भी सेलिंग प्राइस बड़ा हो उस केस में होता है क्या, गेन। समझ गए? गेन कब होगा, जब सेलिंग प्राइस बड़ा होगा। और कितना गेन होगा ये निकालना है, तो आप इन दोनों का डिफरेंस करेंगे। अच्छा, जब भी गेन होगा ना तो सेलिंग प्राइस बड़ा होगा, तो आपको सेलिंग प्राइस में से माइनस करना है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है किसका, गेन का। देखो कैसे, इधर देखो, गेन क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हमने देखा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो जब गेन हुआ है तो कितने रुपए का गेन हुआ है, तो आप कैसे निकालोगे, सेलिंग प्राइस जो है वो रखो 713 माइनस कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है 620 रुपीज़ का, ठीक है। दोनों को हम माइनस कर लेते हैं, तो अगर मैं यहाँ माइनस करता हूँ 713 में से 620, तो 3 में से 0 गया तो 3 बचा, 11 में से 2 गए 9 बचा, तो हमें जो है गेन हुआ है 93 रुपीज़ का। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, कि हमें कितने रुपीज़ का गेन हुआ है, 93 रुपीज़ का। लेकिन ये हमसे पूछ कह रहा है, ये हमसे कह रहा है गेन परसेंटेज बताइए। देखो उसने कहा था गेन या लॉस परसेंटेज, तो लॉस तो हुआ नहीं हमें, हमें तो फ़ायदा हुआ है, गेन हुआ है तो उसकी परसेंटेज बताओ। देखो गेन परसेंटेज निकालने के लिए ना फॉर्मूला होता है क्या, गेन परसेंटेज निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है गेन को रखो ऊपर और अपॉन में कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई 100 से करो और ब्रैकेट में डाल दो। देखो मैं आपको दिखा भी दूं, ये देखिए गेन परसेंटेज इक्वल्स टू गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100 और ब्रैकेट में परसेंटेज। तो हमने वही किया है यहाँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले देखो कितने रुपीज़ का गेन हुआ है, 93 रुपीज़ का, अपॉन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है, तो कॉस्ट प्राइस देखो कितना है 620, मल्टीप्लाई किससे करें 100 से और सिंबल लगा दें, ठीक है। आगे देखो 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। अच्छा देखो अगर मैं इसको कट करूं, कितने से कट हो रहा है ये, तो देखो 2 से ये कट हो रहा है, 2 से 2 3 जा 2 1 जा और 2 से ये 5 टाइम्स। अब देखो 31 1 जा 31 और 31 3 जा 93, ठीक है, और 3 5 जा 15, तो हमें जो गेन हुआ है ना वो 15% का हुआ है, ठीक है। गेन परसेंटेज कितना है हमारा, गेन परसेंटेज कितना है 15%, यही हमारा आंसर है।
ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं अब। तो सेकंड पार्ट क्या है ये देखो, सेकंड पार्ट में दे रखा है कॉस्ट प्राइस 675, और सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है 630। बताना क्या है, गेन या लॉस परसेंटेज। तो मैंने आपको बताया था इसको करने में सबसे पहले क्या करना है आपको, कंपैरिजन, कौन बड़ा है। ठीक है, तो बताओ ये बड़ा है या ये, तो हमारा ये बड़ा है, मतलब कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस से। आपको याद रखना है जब भी कॉस्ट प्राइस बड़ा निकलेगा तो लॉस होता है। तो देखो लॉस जो है ना, लॉस जब भी लॉस होगा तो कैसे निकालेंगे आप, कॉस्ट प्राइस में से माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस। क्यों करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, देखो इधर, लॉस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, लॉस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। करते हैं अब, देखो कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है 675 माइनस सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस दे रखा है कितना 630। माइनस करो, देखो 5 में से 0 गया तो 5 बचा, 7 में से 3 गया तो क्या बचा 4, तो 45 रुपीस का हमें क्या है हुआ है लॉस। लेकिन हमें बताना क्या है, हमें बताना है लॉस परसेंटेज। ठीक है, तो लॉस परसेंटेज बताना है। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 और ये ब्रैकेट में। देखो कैसे, देखो ये रहा लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100 और परसेंटेज का सिंबल ब्रैकेट के बाहर, वही हमने लगाया। अब आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं हम। लॉस कितने रुपीस का है, देखो लॉस कहाँ से निकला था, लॉस निकला था यहाँ से, तो लॉस कितने का, 45 रुपीस का। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस देखो क्या है, कॉस्ट प्राइस थी हमारी क्वेश्चन में 675, तो हमने यहाँ लिखा 675 मल्टीप्लाई किससे करें 100 से और ब्रैकेट लगा दें। ठीक है, अब हम कट करेंगे इसको। तो सबसे पहले देखो मैं कट करता हूँ 5 से, तो 5 के टेबल से इसको कट करा, तो 5 9 जा 45, और 5 के टेबल से इसको कट किया तो 5 1 जा 5, कितना बचा 1, 17 हो गया। 5 3 जा 15, 2 बचा 25 हो गया, और 5 5 जा 25। ठीक है, चलो अब हम दोबारा से कट करते हैं। देखो 9 से दोनों कट हो रहे हैं, 9 1 जा 9, यहाँ पर 9 से करते हैं तो 9 1 जा 9, 4 बचा 45 हो गया, 9 5 जा 45। ठीक है, अब देखो न्यूमरेटर में यहाँ तो 1 बचा, यहाँ 100 है। अब देखो ये दोनों कट हो रहे हैं, तो 5 के टेबल से ये 3 टाइम्स 15 और 5 के टेबल से ये 20, तो कुल मिलाकर 20 और 3 है। अब ये कटेंगे नहीं, मतलब ये है कि इसको 20 अपॉन 3 लिखा जाता परसेंटेज में। ठीक है, थोड़ा सा इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखो, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है ना वो छोटा है, तो जब भी डिनोमिनेटर छोटा हो तो आप आंसर को मिक्स फ्रैक्शन में लिखो। कैसे लिखेंगे समझो, ये जो 3 है उस 3 को आप एज इट इज उतार दो, 3 6 जा 18 और 2 20, तो 6 होल 2 अपॉन 3। कैसे चेंज किया मैंने, इधर एक बार देख लो, 3 से डिवाइड करो 20 को, 3 6 जा 18, रिमाइंडर 2, जो रिमाइंडर आता है वो ऊपर लिखा जाता है, जितने टाइम्स टेबल पढ़ा गया है वो यहाँ लिखा जाएगा, और जो 3 नीचे था वो यहीं पर रहेगा, इस तरीके से ये लिखा जाता है। ठीक है, आई होप आपको सेकेंड पार्ट भी समझ में आया होगा। चलो थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट देखिए इसका, थर्ड पार्ट में है कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू रुपीज 345 और सेलिंग प्राइस दे रखा है कितना, रुपीज 372.60। आपको क्या बताना है इसमें,
गेन या लॉस परसेंटेज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें गेन हुआ है या लॉस, ठीक। ये तब पता चलेगा जब आप इन दोनों को कंपेयर करें, बताओ ये बड़ा है या ये। तो हमें दिखाई देता है सेलिंग प्राइस बड़ा है। तो मैंने आपको बताया था जब भी सेलिंग प्राइस बड़ा हो कॉस्ट प्राइस से, जब भी ये बड़ा हो उस केस में हमें गेन होता है। तो गेन इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्यों लिखा मैंने ये, क्योंकि ये फॉर्मूला है। देखो गेन इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो निकालते हैं पहले कितने का गेन हुआ। तो सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है हमारा, 372.60। इसमें से माइनस करना है कितना, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, 345, ठीक है। तो माइनस कर लेते हैं, देखो 372.60 में से 345 इतना माइनस करना है बेटा। डेसिमल के नीचे डेसिमल रखे जाते हैं, ठीक है। तो डेसिमल लगा के 00 बढ़ा लिया, 0 में से 0 गया, 0 बचा, 6 में से 0 गया, 6 बचा, 12 में से 5 गया, 7 बचा, 6 में से 4 गया, 2 बचा, तो 27.60 आया। तो हमें 27.60 का क्या हुआ है, गेन। लेकिन बताना क्या है आपको, गेन परसेंटेज बताना है, ठीक है। तो देखो गेन परसेंटेज बताने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, गेन अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। ये चीज़ें ब्रैकेट में डालोगे और परसेंटेज का सिंबल लगाओगे, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है गेन परसेंटेज का। गेन परसेंटेज इक्वल्स टू गेन अपॉन CP मल्टीप्लाई 100 और ब्रैकेट में परसेंटेज। क्या करें अब वैल्यू पुट करेंगे हम, बताओ कितने रुपीस का गेन है। तो गेन है ये, यही तो निकाला था, गेन गेन है 27.60 का। कॉस्ट प्राइस कितना है, देखो कॉस्ट प्राइस है 345। तो 345 मल्टीप्लाई 100 और ये ब्रैकेट में, ठीक है। इसको अब हमें सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व होगा, देखो डेसिमल हटेगा तो ये दो डिजिट है, तो नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे, दो जीरो, मतलब 100 आएगा नीचे, उस 100 से ये 100 कैंसिल, ठीक है। अब देखो अब हमें क्या करना है, इसको सिर्फ सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे होगा वो समझिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको ये चेक करता हूं क्या ये 2 से कट हो रहा है, तो ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा। फिर मैं देखता हूं क्या ये 3 से कट हो रहा है, तो 3 से कट होने के लिए देखो 3, 4, 7 और 5, 12, ये तो 3 से हो रहा है, और ये कितना होगा, 7, 2, 9 और 6, 15, बिल्कुल 3 से कट हो रहे हैं। तो 3 से कट करते हैं हम, 3, 1 जा 3, 3, 1 जा 3, 3, 5 जा 15। 3 से ऊपर वाला भी कट करते हैं, 3, 9 जा 27, 3, 2 जा 6 और 3, 0 जा 0, समझ गए। अगेन अब हम देखते हैं ये किससे कट हो रहा है, मैं 5 से करके देखता हूँ, क्योंकि 9 और 2 11 होता है, 11 3 के टेबल में नहीं आता इसलिए डिविजिबल नहीं है। तो अब मैं 5 से करूँगा, 5 की टेबल से किया, 5, 2 जा 10, 15 हो गया, तो 5, 3 जा 15, ठीक है। 5 के टेबल से इसको कट किया तो 5, 1 जा 5, 4 बचा, 42 हो गया, 5, 8 जा 40, 2 बचा, 20 हो गया, 5, 4 जा 20, समझ गए। एक बार दोबारा देख देख लो, अगर नहीं समझ में आया, 920 से 920 को डिवाइड करोगे किससे, 5 से, तो 5, 1 जा 5 कितना बचा, 4, 2, 5, 8 जा 40 कितना बचा, 2, और 5, 4 जा 20, इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखो किससे डिविजिबल हो रहा है, ये 23 की टेबल है, ये 23 है, ये 184 है, क्या 23 की टेबल में ये जाता है, क्योंकि 23 प्राइम नंबर है ना, इसलिए डायरेक्ट हम डिवाइड करके देखते हैं इसको। अब 23 से डिवाइड करा 184 को, ठीक है।
तो कितने टाइम्स जा रहा है देखिए। तो अगर मैं 8 टाइम्स पढ़ता हूँ इसको, तो 8 3 24 की 4 कैरी 2, 8 2 16 17 18, तो देखो 8 टाइम्स पूरा पूरा जा रहा है। तो आप इसको इससे 8 टाइम्स कट कर दो, तो हमारा आंसर क्या आया है, वो आया है 8%। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। तो फोर्थ पार्ट है हमारा, कॉस्ट प्राइस 80 है और सेलिंग प्राइस कितना है, 76.80। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप इनको कंपेयर करो कौन बड़ा है। तो हम देख रहे हैं ये 80 है, ये 76.80 है, तो कॉस्ट प्राइस बड़ा है। तो जब कभी भी कॉस्ट प्राइस बड़ा हो किससे, सेलिंग प्राइस से, तो हमें क्या होता है, तो हमें होता है लॉस। और लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो लॉस लॉस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो हमें लिखेंगे क्या, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 80, माइनस सेलिंग प्राइस कितना है 76.80। ठीक है, तो माइनस करना है 80 में से ये। तो आप सबसे पहले 80 लिखो, नीचे लिखो 76.80, डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, इसके पीछे डेसिमल लास्ट में होता है। यहाँ पर अपनी इच्छा से 2 0 बढ़ा लो, 0 में से 0 गया 0 बचा, 10 में से 8 गया 2 बचा, 9 में से 6 गया 3 बचा। ठीक है, तो 3.20 आया। तो ये जो 3.20 आया है, ये हमारा क्या है, लॉस। लेकिन आपको बताना क्या है, आपको बताना है लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है क्या, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 और ब्रैकेट में परसेंटेज। देखो ये रहा लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, ये ब्रैकेट में है और परसेंटेज का सिंबल बाहर, ये रहा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व कर देना। कितने रुपीज़ का लॉस हुआ, ये रहा, यही तो निकल था 3.20 रुपीज़ का। कॉस्ट प्राइस कितना है, देखो कॉस्ट प्राइस कितना है 80, मल्टीप्लाई 100 और ब्रैकेट के बाहर परसेंटेज का सिंबल। अगर ये डेसिमल आएगा हटेगा तो 2 डिजिट है, तो नीचे कितने जीरो आएंगे, 2, इससे ये कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 8 से ये 4 टाइम्स। तो आंसर हमारा क्या गया है, 4%। आई होप आपको सारे के सारे पार्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर।